मैं डॉक्टर ज्योति बाली, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में एक डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हूँ। हमारा सेंटर करोल बाग में और ईस्ट ऑफ कैलाश साउथ दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। यहाँ आके एक कॉमन आदमी निराश होता है कि कॉस्ट ऑफ आईवीएफ या इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि ये एक आम आदमी के लिए कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है और इसके लिए हम आपको क्या सलाह देते हैं और क्या हम कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पर चर्चा करूँगी। आईवीएफ ट्रीटमेंट कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे आते हैं। जिस कंपनी से हम करवाते हैं इम्पोर्ट, वो उस पर टैक्सेशन बहुत होती है, तो ये हमें कॉस्ट टू द डॉक्टर भी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो पेशेंट को भी वो इंजेक्शन जब MRP पे मिलता है तो महंगा मिलता है। अब क्या किया जाए? हम इसको कट भी नहीं कर सकते, इस कॉस्ट को, ये तो रहेगी क्योंकि इंजेक्शंस बाहर से बनकर आते हैं। और फिर जो IVF सेंटर के अंदर सारे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो भी सब इम्पोर्टेड हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं, उन पे भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत है और उसके बाद पूरा खर्चा जो है वो पूरा पेशेंट से ही लिया जाता है। तो अब इसके चलते IVF कॉस्ट कहीं नहीं गया हमारी कंट्री में, 1,20,000 से 1,30,000 से लेके 2,00,000 तक की एक साइकिल पड़ती है एवरेज तौर पे। इसके लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि हम इसे अच्छे से एक प्लान कर सके, क्योंकि एक बच्चा, मैं समझती हूँ, हर कपल का या हर औरत का एक बर्थ राइट है कि बच्चा तो होना ही चाहिए। अगर उसने शादी की है या उस वो चाहती है माँ बनना या वो कपल चाहता है माता पिता बनना, तो कॉस्ट उनके आड़े नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं IVF ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में अगर हम देखते हैं। एक तो मैंने पहले बताया कि इंजेक्शंस की कॉस्ट काफ़ी आती है, 10 से 12 दिन ये इंजेक्शंस चलते हैं। लेकिन जब भी आप IVF के लिए आएँ तो आप ज़रूर पूछिए अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, क्या ये कुछ कम हो सकता है? जी हाँ, इंजेक्शंस दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं रिकॉम्बिनेंट, यानी जो कि इंसुलिन की तरह लगाए जाते हैं और पेशेंट खुद अपने घर पर लगा लेता है, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, थोड़ी सी कम कॉस्ट हो जाती है अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लेते हैं। और हमारे जितने भी अनुसंधान किए गए हैं, जितने भी स्टडीज़ हैं, वो सब कहते हैं कि कोई भी इंजेक्शन आप यूज़ करते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी जो आपको एक नर्स से रोज़ जाके लगवाना पड़ेगा, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट जो आप खुद लगा सकते हैं, दोनों में कॉस्ट का काफ़ी अंतर आ जाता है, लेकिन रिजल्ट्स बराबर रहते हैं। क्योंकि जो प्रोसीजर है वो लैब पे और डॉक्टर पे डिपेंड करता है, तो अगर प्रोसीजर और लैब की कॉस्ट फिक्स कर दी जाए कि वो कोई भी आए, चाहे कोई साइकिल वाला आए या मर्सिडीज कार में आए, वो कॉस्ट फिक्स्ड है हमारी, लेकिन इंजेक्शंस आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको कहीं नहीं गया, इस कॉस्ट में 20,000 से 25,000 रुपये कम हो जाते हैं। तो पहले तो आप ये डिस्कस कीजिए। दूसरा विकल्प जो हम अपने मरीजों के लिए देते हैं हमेशा, कि वो EMI करा लें या तो लोन लेके, हमारे पास कुछ कंपनीज हैं जो लोन देती हैं, वो EMI हो जाती है कि आप उस पैसे को लोन पे लेके फिर EMI में यानी किश्तों में देते चले जाएंगे। और जो भाई लोग हमारी किश्तों में भी नहीं, उनको बैंक अलाउ करता है क्योंकि उनके पेपर वर्क पूरा नहीं होता या वो दिल्ली से बाहर के हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि आप पेमेंट को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 3 महीने में, कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले महीने में दीजिए, कुछ उसके अगले महीने दीजिए, और फिर जब पेशेंट का ट्रांसफ़र होता है तब दे दीजिए, तो पेशेंट को 3 महीने का 4 महीने का टाइम मिल जाता है इसके चलते। तो ये कुछ विकल्प हैं जहाँ की इस ट्रीटमेंट को एक कॉमन आदमी अफोर्ड कर पाए। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई होप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर की तरफ से। नमस्कार। Thank you.